हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2024 में पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा व पारण का मुहूर्त विधि और साथ ही जानेंगे इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुत्रदा एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, विशेषकर यह व्रत संतान कामना और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल 2024 पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा व पारण का मुहूर्त विधि और इसकी व्रत कथा के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी मुहूर्त 2024। दोस्तों, 2024 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी की शाम 7:26 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी की शाम 7:26 पर। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 21 जनवरी की सुबह 8:34 से दोपहर 12:32। अभिजीत मुहूर्त होगा 21 जनवरी की दोपहर 12:11 से दोपहर 12:54। दोस्तों, पारण का समय होगा 22 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 7:14 से सुबह 9:21। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा शाम 7:51। राहु काल का समय होगा शाम 4:41 से 6:02। दोस्तों, राहु काल को अशुभ माना गया है, इस समय शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। दोस्तों, क्योंकि यह व्रत संतान कामना से रखा जाता है, इसलिए पति पत्नी को संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। पूजा में प्रतिमा को पीले फल फूल तुलसी दल और पंचामृत अर्पित कर गोपाल मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत का स्मरण कर आरती करें और अंत में प्रसाद ग्रहण करें। आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत कब खोलना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत द्वादशी को पारण के बाद ही खोला जाता है। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातः काल का है। दोस्तों, इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार भद्रावती के राजा सुकेतुमान और उनकी रानी हव्या चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके कोई पुत्र न था। एक दिन राजा इस बात से निराश होकर अपने राज्य और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर घने जंगलों में चले गए। दोस्तों, कष्टों का सामना करते हुए वे बहुत दिनों तक जंगल में भटकने के बाद पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे मानसरोवर तट पर रहने वाले कुछ संतों के आश्रम में गए। दोस्तों, राजा के बारे में जानने के बाद संतों ने उन्हें सुझाव दिया कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब ऋषियों के कहे अनुसार सुकेतुमान वापस साम्राज्य गए और अपनी रानी के साथ पौष एकादशी का व्रत रखा। दोस्तों, इसके कुछ समय बाद ही रानी गर्भवती हुई और राजा रानी को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ। जय श्री हरि।